नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अष्टमेश ग्रह किस प्रकार से शुभ फल करता है, यानी कौन से भाव में अष्टमेश ग्रह ज़्यादा शुभ रिजल्ट देता है। इसके अलावा अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह शुभ फल करते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। अष्टमेश के समस्त भावों में क्या फल होते हैं, इस पर भी चर्चा की गई है। कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिक भावों के स्वामी यानी कुंडली के छठवें, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी सामान्यतः अच्छे फल देते नहीं पाए जाते हैं। यदि ये केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं तब, यानी ये केंद्र के घर में या त्रिकोण के घर में जब भी छठवें, आठवें या बारहवें का स्वामी बैठता है तो उस भाव से संबंधित कारकत्व में कमी ला देता है। ठीक है, चाहे फिर वह मित्र बन रहा हो अथवा शत्रु बन रहा हो। शत्रु बन रहा हो तो ज़्यादा नुकसान देता है, मित्र बन रहा हो तो कम नुकसान देता है। आइए एक एक करके बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अष्टम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। देखिए, अष्टम भाव से हम छोटी मोटी दुर्घटनाओं का विचार, दीर्घकालिक रोगों का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, जीवन में प्राप्त होने वाले अपयशों का विचार, बाधाओं का विचार, रुकावटों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से ही किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में यदि हो रही है, बाधाएँ आ रही है, तो बाधाओं का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातों का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से हम कर सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान। ज्योतिष के क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो हमें देखना होगा क्या अष्टम भाव मजबूत है और अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अथवा नहीं, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा आकस्मिक लाभ का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं और परलौकिक ज्ञान का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ बुरी बातों का विचार अष्टम भाव से करते हैं तो अच्छी बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं, क्योंकि जीवन का विचार भी तो अष्टम भाव से ही किया जाता है। यदि शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो इस भाव को मजबूत कर देता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी होती है, हालांकि दीर्घकालिक रोग शनि यहाँ पर देता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति की आयु लंबी भी होगी और इसके अलावा व्यक्ति अच्छे क्षेत्रों में आगे भी बढ़ेगा। जिन चीज़ों की भी हमने बात की, जैसे कि रिसर्च हुआ, ज्योतिष हुआ, इनमें व्यक्ति आगे भी बढ़ता है यदि ये भाव मजबूत होता है तब। आइए एक एक करके समझते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, अष्टमेश ग्रह यदि लग्न भाव में बैठ जाता है, यदि लग्नेश का मित्र बनकर बैठता है तो व्यक्ति को निरोगी बनाएगा, लंबा जीवन जीने वाला बनाएगा और सहनशील बनाएगा। लेकिन यदि ये लग्नेश का शत्रु ग्रह बनकर बैठा है तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुरे कार्यों की तरफ अग्रसित हो सकता है, जिनके कारण व्यक्ति सामान्यतः दुख भोगता है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति की प्रवृत्ति उदासीन प्रवृत्ति हो जाती है। हमें ध्यान रखना होगा कि त्रिक भावों के स्वामी जब कभी भी अच्छे भावों में जाकर बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित कार्यों में बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि अष्टमेश और लग्नेश मित्र हो जाए, इसके बावजूद हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद यहाँ पर अष्टमेश से नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं कि अष्टमेश यदि दूसरे भाव में बैठा हो तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर संकट आता है। ठीक है, धन के संचय में व्यक्ति को परेशानी आती है। और इसके अलावा मान लीजिए कि धनेश और अष्टमेश यदि मित्र बन जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर संकट सामान्य प्रकार का होता है। ठीक है, और इसके अलावा धन में जो बाधाएँ आती वो भी सामान्य प्रकार की रहेंगी। लेकिन मान लीजिए कि मित्र ना हो, फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग चपेट में ले सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि धन व्यक्ति गवा सकता है किसी न किसी रूप में। कुंडली के धन भाव में मान लीजिए कोई शुभ ग्रह उपस्थित है तो शुभ ग्रहों का भी एक अपना प्रभाव होता है, और मान लीजिए कोई अच्छा ग्रह दूसरे भाव में यानी धन भाव में बैठा हुआ है तब वह भी अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल हम अष्टमेश ग्रह को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को अपने भाइयों का विरोध झेलना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति दुर्बल किस्म का भी होगा। दुर्बल का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, अल्प सुखी होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है, हालांकि पराक्रमी ऐसा अष्टमेश व्यक्ति को बनाता है। यहाँ पर भी हमें मित्रता देखनी होगी, यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सामान्य स्तर के। और यदि तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में थोड़े से बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि अष्टमेश ग्रह जब कभी भी तीसरे, छठवें, आठवें या बारहवें भाव में बैठेगा तो सामान्यतः अच्छे रिजल्ट ये देता है।
आइए बात करते हैं अष्टम भाव का। स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है? तो मित्रों ध्यान रखें कि यहाँ पर अष्टमेश ग्रह व्यक्ति को अपने पिता से मतभेद अपने व्यक्ति का अपने पिता से मतभेद हो सकता है, ठीक है। यदि कुल मिलाकर पिता के लिए स्थिति कष्टप्रद कही जाती है, परंतु फिर भी यहाँ पर यदि कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है या चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर उसके प्रभाव में कमी आती है। अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाता है, देखिए पंचम भाव से हम शिक्षा का, संतान का विचार करते हैं, विवेक बुद्धि का विचार करते हैं। अब अष्टमेश ग्रह जब यहाँ पर आकर बैठता है तो व्यक्ति की या तो संतान होती नहीं या फिर संतान होती है तो व्यक्ति संतान से परेशान रह सकता है, ठीक है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि ऐसा व्यक्ति जो है मेधावी होता है। आइए बात करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के छठवें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देगा। देखिए छठवें भाव में व्यक्ति को ये रोगी बनाता है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं आर्थिक स्थिति में, ठीक है। हालांकि शत्रुओं पर विजय करने वाला ऐसा अष्टमेश ग्रह व्यक्ति को बना देता है। ध्यान रखें कि छठवें आठवें या बारहवें भाव के स्वामी जब कभी भी छठवें आठवें या बारहवें भाव में बैठते हैं और लग्न मजबूत हो और साथ साथ लग्नेश की स्थिति मजबूत हो, यानी लग्नेश केंद्र के घरों में या त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग की स्थिति में फिर छठवें आठवें या बारहवें भाव के स्वामी अच्छा रिजल्ट देते हैं, विशेष रूप से तब कि जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है तब। मित्रों अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ही कमजोर करने का प्रयास करता है, पार्टनरशिप में व्यक्ति को परेशानी आ सकती है, व्यापार में यहाँ पर घाटा हो सकता है, यानी अष्टमेश की स्थिति सप्तम भाव में ठीक नहीं मानी गई है। मित्रों अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो ये अच्छी स्थिति कही जाती है, व्यक्ति निरोगी होता है, लंबा जीवन जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, निम्न स्तर के लोगों का नेता ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि ये भाव मजबूत होने से इस भाव से संबंधित फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जातक को, जैसे कि अनुसंधान, ज्योतिष, गुण विद्या, परलौकिक ज्ञान, आकस्मिक लाभ होना, इस प्रकार के लाभ व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे कि हमने अभी रिसर्च की बात की तो इसके लिए देखिए गुरु की स्थिति पर भी विचार करना होगा, बुध की स्थिति पर भी विचार करना होगा और लग्नेश को भी देखना होगा, धन भाव भी देखा जाता है। तो एक भाव के आधार पर हम चीज़ों का निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन यदि जहाँ तक अष्टमेश की बात है तो अष्टमेश इनमें हेल्प करता है व्यक्ति की, यानी मदद करता है यदि अष्टम भाव मजबूत हो या फिर अष्टमेश ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है तब। मित्रों अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के नवे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति धर्म से विमुख हो सकता है, उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है, पिता के साथ ही मतभेद करवा सकता है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर और भाग्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कुल मिलाकर अष्टमेश की स्थिति भाग्य भाव में ठीक नहीं मानी गई है। कुछ बातें विचारणी होती जैसे कि अष्टमेश ग्रह और नवमेश ग्रह एक ही ग्रह बन जाए तब ये बातें अपवाद स्वरूप रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात हमें ये भी देखना होगा क्या नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, यानी मजबूत होकर बैठा हुआ है अच्छे घरों में अथवा नहीं, या क्या अपने ही घर में बैठा हुआ है, इस स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा, या फिर नवे भाव पर किसी क्या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अथवा नहीं, इसे भी हमें देखना होगा। अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के दसवें भाव में बैठ जाता है तो ये व्यक्ति की प्रकृति को आलसी टाइप की बना देता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहता है, ठीक है, कार्य क्षेत्र में परेशानी क्रिएट कर सकता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। माता के लिए अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाना ठीक नहीं माना जाता क्योंकि माता से संबंध ही खराब करवा सकता है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं कि यदि अष्टमेश कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार अष्टमेश जब ग्यारहवें भाव में बैठेगा तो व्यक्ति का बाल्यकाल दुखी होता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति का बचपन परेशानियों का भरा हो सकता है। इसके अलावा मध्यावस्था और इसके अलावा अंतिम अवस्था व्यक्ति की जो रहती वह सुखी रहता है, यानी व्यक्ति उसमें कोई ग्रह यदि पापक ग्रह हो और अष्टमेश बन रहा हो और ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो फिर व्यक्ति सामान्यतः दुखी होता है, ऐसा कहा गया है। अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के बारहवें भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है, आइए समझते हैं। देखिए क्रूर ग्रह होकर यदि अष्टमेश बारहवें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को रोगी बनाता है, व्यक्ति दुख भोगने वाला ऐसा व्यक्ति कहा गया है। लेकिन यदि विपरीत राजयोग की कंडीशंस बन रही है तब सामान्यतः यहाँ पर अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि बारहवें भाव के स्वामी के साथ अष्टमेश की मित्रता है अथवा नहीं, यदि मित्रता हो रही है तो अच्छे फल यहाँ पर फिर देखने को मिलेंगे। अच्छे फल का मतलब ये है कि जिन बातों की अभी हमने चर्चा की उनमें कमी रहती है। मित्रों कार्यक्रम में यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।